आमतौर पे आपने पुलिस मुर्दाबाद के नारे अक्सर सुने होंगे, लेकिन सिंघाना में पुलिस जिंदाबाद के नारे लगे हैं। सिंघाना पुलिस स्टाफ का व्यापारियों ने बाजार के बीच सम्मान किया है। मामला था सिंघाना कस्बे के सोने चांदी की दुकान पर। पहले तो 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का फोन किया, फिर 5 मिनट बाद ही रंगदारी के लिए फायरिंग कर दी। फायरिंग करने के बाद आरोपी वहां से निकल भागे थे, लेकिन पुलिस फायरिंग की घटना के महज 5 मिनट में ही मौके पर पहुंच गई थी। आरोपियों का पीछा भी किया गया। उन आरोपियों को हरियाणा में घुसने से पहले ही पचेरी के पास धर दबोचा गया। उनको गिरफ्तार करके लाए तो व्यापारियों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा और पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जिस पर थानाधिकारी भजनाराम, पुलिस स्टाफ का माला व साफा पहनाकर सम्मान किया गया। बाजार के व्यापारी जुलूस के साथ पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाते हुए थाने तक पुलिस को छोड़कर आए। थानाधिकारी भजनाराम का कहना है कि पुलिस हमेशा अपराध को रोकने के लिए तत्पर रहती है, साथ ही हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि तुरंत सूचना व सहयोग करें। सम्मान समारोह में भाजपा नेता विकास बालोटिया, नगर पालिका अध्यक्ष विजय पांडे, गुजरवास पूर्व सरपंच जगदीश प्रसाद गुजर, नरेश नरेंद्र शर्मा, समाज सेवी रवि मीणा, नगेंद्र तिवाड़ी, रतन चौधरी, श्यामलाल शर्मा सहित बाजार के समस्त व्यापारी मौजूद रहे। मैं इसके लिए समस्त व्यापारी मंडल, समस्त सिंघाना के निवासी चेयरमैन जी, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं धन्यवाद देता हूं कि हमारे लिए आपने इतना प्यार दिखाया है। हमने हमारे कर्तव्य में कोई कमी छोड़ी नहीं, उससे खुश हो क्या आपने ये किया, इसके तहे दिल से पुलिस परिवार की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। चोरी जो फायरिंग की घटना के बाद महज चंद समय में ही गिरफ्तार किया, क्या कहेंगे उसके? देखिए, इन लोगों की सूचना पे ही महज में 1.5 से 2 मिनट में घटनास्थल पे पहुंचा, फुटेज वगैरह देखे, उसकी वजह से हम सफल हुए। मैं तो यही जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस प्रकार से हमें तुरंत सूचना दे, जिसे अविलंब समय में हम कार्रवाई कर देते हैं।